गाइस वी आर ऑल रेडी जाने के लिए, सो बाय बाय दिस हाउस, विल मिस यू सो मच। और दीपेश वहाँ पे चला गया है सामान नीचे पहुँचाने के लिए। बाय बाय किचन, विल मिस यू, थैंक यू सो मच, एंड स्पेशली विल मिस द व्यू सो मच गाइस। कितना सुकून था ये व्यू पे। Guys, we are saying bye bye to the view. Kansa, how are you feeling? Feeling sad. Thoda thoda kaisa kaisa. Open the door. Tumne mandir mein. Nahi. Go. Bye bye, Om. We'll miss you. फिर मिलेंगे, चलो इतना सारा सामान नीचे पहुंचाना है। चलो गाइस, हम लोग थोड़ा सा लेट होने वाले इसलिए कुछ वीडियो नहीं कर पा रहे हैं। 6 बजे हम लोग का बोर्डिंग चालू हो जाएगा अभी। लेट्स सी व्हाट इज D5। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा है ना, चलते चलते थक गई हूँ मैं, 10 मिनट से चल ही रही हूँ। सो वी हैव रीच्ड आवर गेट, तो अभी रुके हैं बोर्डिंग के लिए। आज इतना लेट, हरी 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 सब चीज़ हुआ ना, अच्छे से मतलब देखने भी नहीं मिला कि तब मन तो एक्सप्लोर भी करने को नहीं मिला। बट यस, फाइनली वी हैव रीच्ड आवर गेट नंबर एंड हियर शी इज ईटिंग। What yoga, is this? Yoga bar. Yoga bar. Okay, eating yoga bar. See my pimple. That's why I'm wearing mask. So guys, अभी हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं। बैठ चुके हैं फ्लाइट में। लास्ट टाइम भी हम लोग एयर इंडिया से गए थे एंड इसका फैसिलिटी बहुत अच्छा था। हम लोग यहाँ पे हैरी पॉटर देख के जा रहे थे, आज भी कंटिन्यू करेंगे हैरी पॉटर। किस कंसर्ट finally।
फाइनली वी हैव रीच्ड मुंबई एंड वी हैव जस्ट लैंडेड। अभी ओला करके अभी हम लोग जा रहे हैं अपने नए बारिश हो रही है थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है। मुंबई की बारिश तो बहुत डेंजर होती है। जोर की बारिश हो रही है अचानक से ऑफ सडन। हम लोग पहुंच गए हैं और आप लोग को वेदर दिखा रही हूँ। क्या मस्त लग रहा है स्वेटिंग। और हम लोग गाड़ी में मस्त सो के आए हैं। एक घंटा लगा है और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे इसलिए सो गए हम लोग। तो भाई सबसे पहले हम लोग फूड सेक्शन में आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो सबसे पहले यहाँ से एक लेना पड़ता है। गुड फूड ओके बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आई वॉन्ट टू हैव राइस यू कुछ देख के ना ऐसा लग रहा है कि शादी में आए हम लोग और साथ जो उठाना है उठाओ लेकिन लास्ट में बिल पे करके खाना ठीक है। क्या चीज़ होता है क्या इंडियन ब्रेड और एक इंडियन ब्रेड भी इंडियन ब्रेड हम लोग ने यहाँ पर राइस ऑर्डर किया है। राइस और चिकन थैंक यू। ये चीज़ केक इसलिए लिया है कि सबके प्लेट में चीज़ केक था। थैंक्स कंसर प्लेट ओके ट्राई इट इट्स लुकिंग यम। हाउ इज इट नमी इट्स नाइस बट इट्स कोल्ड इसलिए तो वो कोल्ड सैंडविच है बट इट्स नाइस। सो नाउ आई एम गोना ट्राई इट सॉफ्ट है बहुत क्रोसेंट फ्रॉम ठंडा है ना नाइस ना ठंडा है लेकिन टेस्ट इज वेरी यम। गुड वन आई वांट टू ट्राई दिस रास्पबेरी सो यू कैन रिफिल इट अनलिमिटेड मैं लेके घूमेंगे। तो गाइस हम लोग आते ही ना सबसे पहले फूड सेक्शन गए हैं क्योंकि हम लोग ने वो ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी नहीं खाया था। इतना ज़्यादा भूख लग रहा था। अभी कितना व्हाट्स द टाइम बन था 2:30 तो अभी हम लोग ये खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। कढ़ाई चिकन विद पराठा। पराठा इज सॉफ्ट
फ्राइड राइस नाइस. हाउ इज दिस चिकन? नाइस. सो आई एम हैविंग राइस फर्स्ट. सब कुछ खत्म हो चुका है. कैसे ट्राई दिस? चलो आई क्या कहते हैं, मिस चीज केक. मुझे नहीं लगता है कि हम लोग सब कुछ खा पाएंगे. कैसा है? ठीक है. जैसा मैंने बनाया था सेम है कि सेम जस्ट एक क्रश सॉफ्ट है क्योंकि मैंने फ्रीज में डाल दिया था पूरा एकदम फ्रोजन था वो. एंड दिस इज गुड. ओके कांच आर लाइक इट अप्रूव्ड. लिटरली दिस इज सच अ क्यूट रूम घर के लोग का. And this is for boys. तो सबसे पहले प्रायोरिटी है हम लोग का मैट्रेस और ऑर्थोपेडिक मैट्रेस देख रहे हैं क्योंकि दोनों का बैक पेन का प्रॉब्लम है. बैठ के देखो. हाँ न चक्के चौथा युद्ध थोड़ा हार्ड चाहिए. ये तो बैक पेन और हो जाएगा इससे. बैक पेन के लिए आपको पॉकेट पेन भी बेटर रहेगा. कौन सा वाला? सिंगल नहीं चाहिए, डबल चाहिए. डबल साइज में भी आते हैं पीछे जो रहती है वही है. गॉप पे पूछते रहे. सुके देखो टू सॉफ्ट. प्लास्टिक में मत आ रही है. इसके मैच इसका सूटे भी नहीं है. हॉस्पिटलाइज इन जाए. वेरी सॉफ्ट. तो गाइस हम लोग का मैट्रेस काम नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे कुछ और देख रहे हैं. सब प्रिटी. सो यहाँ पे सारा फ्रेम का स्टोर है. सो ब्यूटीफुल सो गुड. और हम लोग को बिलिंग काउंटर नहीं मिल रहा है. वाओ मिरर ऑन द वॉल. Wow, so nice mirror. और यहाँ पे सारा कैंडल का वैरायटी. इतना मस्त स्मेल कर रहा है. ऑल सेंटेड कैंडल्स. आफ्टर हाफ एन आवर हम लोग को मिला क्या बिलिंग वाला काउंटर? कहाँ है? आगे. गाइस फाइनली वी आर बैक होम. तो आज हम लोग सुबह से बाहर घूम रहे हैं सामान खरीदने के चक्कर में. तो अभी इट्स अबाउट टू बी 11 एट नाइट. तो वी आर सो टायर्ड. तो हम लोग ने जो आईकिया में खाया था बस वही खाया है. अभी तक कुछ नहीं खाया है. दो बजे खाया था. Almost 11. Yes. मेरा तो आवाज भी चला है. तो हम लोग बारिश में भी भीग गए, सूख भी गए वहीं पे, ठीक है? अभी भी भीगा ही है. मेरा नीचे सब भीगा ही है. सो आज हम लोग का क्या क्या काम हुआ? हम लोग ने आईकिया से थोड़े बहुत क्रॉकरीज एंड ऑल घर के लिए. वो हम लोग कल दिखाएंगे कि क्या क्या खरीदा हम लोग ने. टुडे वी आर सो टायर्ड. और मेन चीज
जो हम लोग को खरीदना था वो मैट्रेस था, आइकिया से, जो कि सेम डे डिलीवरी किसी ने भी नहीं दिया हमको। नहीं, आइकिया से मिल जाता था शायद सेम डे डिलीवरी, बट हम लोग का ना बैक पेन का प्रॉब्लम था। थोड़ा हार्ड ऑर्थोपेडिक मैट्रेस अपन ढूंढ रहे थे लेकिन आइकिया में वो था नहीं। कितना मतलब था, बट बहुत स्प्रिंग वाला था, बहुत ज्यादा स्प्रिंग वाला मैट्रेस था जो कि अंदर ही घुस जाते हैं सोने से, सॉफ्ट बहुत। हाँ, बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, इसीलिए हम लोग ने वो चूज नहीं किया। तो हम लोग कहाँ गए थे, मॉल गए थे, विवियाना मॉल गए थे, होम सेंटर भी गए, होम सेंटर पे गए, भी वैसा वाला नहीं मिला वहाँ पे था, बट बहुत ज्यादा था प्राइस। अच्छा, वो होम सेंटर में भी था बट प्राइस वाज टू हाई आउट ऑफ आवर बजट, आउट ऑफ आवर बजट। तो हम उसके बाद हम लोग ड्यूरेफ्लेक्स में गए, तो वहाँ पे था बट सेम डे डिलीवरी था नहीं। सो अभी हम लोग ने अमेजोन से ही ऑर्डर कर लिया, बेस्ट अमेजोन से अपन ने ऑर्डर कर लिया ऑर्थोपेडिक मैट्रेस। अंटिल देन घर आ गए हम लोग, कहाँ पे, तो तब तक हम लोग ने काम चलाओ के लिए ये मैट्रेस खरीदा है, और वो वहाँ पे पिलो भी है, और ये दुकान, मतलब ये दुकान में जाने के लिए भी इतने पापर बेल है हम लोग ने, मतलब अंकल को कॉल, उसका ये दुकान का ओनर को कॉल करके हम लोग ने बोला कि प्लीज़ अंकल बंद मत करना, हम लोग आधे घंटे में आ जाएंगे, एंड ही वॉज सो काइंड इनफ कि ही वॉज वेटिंग फॉर अस लाइक। तो फाइनली, तो हम लोग को लगा था कि आज हम लोग नीचे नीचे, आई वॉज प्रिपेयर्ड, आई वॉज प्रिपेयर्ड, हम नीचे ही सोएंगे आज, कोई बात नहीं एक दिन के लिए, तो मिल गए, कोई नहीं। तुमको कैसे सोने दूँ फ्लोर पे, तुम जैसे सोए गए वैसे ही। कॉल किया ना अंकल को, 10:30 तक प्लीज ओपन। तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो हम लोग ने ऑर्डर किया है जेप्टो से, खाना नहीं लाइक पकाने के लिए, होम फूड। यस, कितना दिन हो चुका है कि प्रॉपर होम फूड हम लोग ने नहीं खाया है, इसलिए वी आर क्रेविंग फॉर इट। तो हम लोग ने ऑर्डर किया है अभी, एंड दिस रूम इज मेस राइट नाउ, आप लोग मत देखो, एंड किचन भी खाली है अभी। तो हम लोग ने बनाने के लिए इंडक्शन लेके आए हैं, इंडक्शन में बनाएंगे अभी खाना क्योंकि गैस नहीं आएगा। एंड कंस, व्हाट अबाउट आवर पार्सल, आवर हाउस आइटम जो हम लोग ने बैंगलोर से भेजा है, वो उसका अभी तक नाम निशान नहीं अभी मिलेगा भी नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता है, ऐप में भी कोई अपडेट नहीं है, हम लोग कितना बार कॉल कर चुके उन लोग को पर कोई अपडेट नहीं आया है अब तक। 26 को हम लोग ने भेजे थे, ओह माय गॉड, टुडे इज हाउ आई थिंक जेप्टो आ गया, हाँ बी केयरफुल लॉक ऑन, नाइस, कॉल भी नहीं करना पड़ा, एड्रेस प्रॉपर है ना। तो अब हमने सारा कुछ, सब्जी वगैरह सब कुछ, अंडा वगैरह सब कुछ मंगा लिया, तो अभी बना के खाएंगे। हम लोग ने ये वाला इंडक्शन खरीदा है जो जो ये गिर भी गया था, ये पूरा बॉक्स है ना पूरा निकल गया था और बारिश में गिर गया था ये पूरा, तो और ये दोनों खरीदा, एक है पैन, दूसरा कहाँ गया? आज दिन खराब था, बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि ना ये इंडक्शन में कुछ भी हम लोग के पास करा है, प्रेशर कुकर सब कुछ है लेकिन इसमें नहीं जाता, इसलिए हम लोग ने ये खरीदा है स्पेशली इसके लिए। और दूसरा वाला ये है इसमें राइस बनाने के लिए, अगर एक दिन का बात होता तो नहीं खरीदते, लेकिन इट्स नॉट फिक्स कि सामान आने में कितना दिन लगेगा, 4-5 दिन कितना दिन, तो तब तक तो बाहर का नहीं खा सकते ना, इसीलिए वी थॉट कि चलो खरीद लेते क्योंकि काम भी आएगा ये सब खा के बस सोएंगे। नहीं, आई मीन मतलब बाहर का खाना में खर्च करने से अच्छा, हाँ इसमें करो ना, हाँ घर का सामान भी बन जाएगा। तो ये है पैन, इसमें हम लोग बनाएंगे राइस। राइस यहाँ
पे दाल बना रहे हैं अभी, और राइस हो चुका है रेडी। तो और कंचन यहाँ पे कर रहा है चॉपिंग, जो कि उसका फेवरेट पार्ट है, और प्लेट को उसने चॉपिंग बोर्ड बना दिया है। नाइस, दिमाग लगाना चाहिए ना, दिमाग। और हम लोग ने ये जो बचा था वही लेके आया है, अच्छे से पैक करके इसको अभी इसी में पकाएंगे। चलो गाइस, फिर कल मिलते हैं। टुडे विल ईट फूड, रेस्ट, विल रेस्ट प्रॉपरली, क्योंकि कल सुबह भी। और एक चीज तो बताना भूल गया, हम लोग यहाँ से आईकिया गए, इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 1 आवर, ये सो के पहुंचे। रिटर्न होते बाद, और रिटर्न होने के टाइम पे भी ये एकदम इतना ज़्यादा ट्रैवल किया आज हम लोग ने। हम लोग जैसे ही मुंबई में लैंड हुए तभी घर पे आए, ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर रेस्ट करने के बाद, रेस्ट भी नहीं लाइक इधर उधर करने के बाद, सबसे ओनर वगैरह सब कुछ मिलने के बाद हम लोग कहाँ गए, आईकिया गए। एक घंटा लगा वहाँ पहुँचने में। आईकिया जाने के बाद हम लोग, सामान पूरा इतना भारी था कि हम लोग उसको घुमा के नहीं ले जा सकते थे अपने साथ, तो हम लोग ने किया क्या, फिर से वापस घर आए, फिर ड्रॉप किया, फिर गए, फिर वो वहाँ पे कुछ नहीं मिला, फिर उसके लिए हम लोग गए वो दूसरा वाला शॉप चल के फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स वॉकिंग था, तो फुली टायर्ड। ओके गाइस, तो कल मिलते हैं, एंड डोंट वरी, हम लोग आईकिया हॉल डालेंगे अपना, कल फुल वाला ब्लॉग डालेंगे आईकिया का, तो क्योंकि आज वी आर सो टायर्ड। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर, बाय बाय, गुड नाइट।